हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड वेलकम आल्सो टू डे टू। हमारा आज दूसरा दिन है जो है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। ये एक क्वालिटी है। मैं आपको बता दूं, हम सभी बहुत बड़े होना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी बिग। लेकिन क्या आपको पता है कि यह बिग होने का सबसे आसान फॉर्मूला, सबसे आसान तरीका क्या होता है? बिग होने का सबसे आसान तरीका है बी इन, बी इन ग्रैटिट्यूड, BIG, बी इन ग्रैटिट्यूड। बिग ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता आपको बनाएगी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हम सब में एक बर्निंग डिजायर होता है दुनिया को बदलने का। मैं कहूं कि अगर आप अपने टेरेस पे या विंडो पे खड़े रहे और आपने अगर सोचा कि सब दीवारें, सब दुकान, घर बीर, सब रास्ता विस्ते मैं सब लाल रंग में कर देना चाहता हूं, तो क्या आप उसे कर सकते हैं? मतलब आप सिटी को चेंज करना चाह रहे हो, सबसे पहली बात, इतना पैसा तो आपके पास होगा नहीं। शायद बिल गेट्स या वॉरेन बफे के पास हो सकता है, शायद। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा हो भी तो सामने का मकान वाला क्यों अपनी दीवारें लाल रंग में पेंट करेगा, राइट? क्योंकि उसके पास उसके खुद के चॉइस है, वो आपकी बात क्यों मानेगा? तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। सिंपल चीज, लाल चश्मा पहन लो, दैट्स ऑल। जब आप लाल चश्मा पहनोगे तब आपको हर चीज लाल दिखने लगेगी। आप अपने रास्ते को कारपेट नहीं बना सकते। जिस रास्ते से, सड़क से आप चल रहे हो या जिस मैदान में आप खेल रहे हो, चल रहे हो, उसे आप कारपेट नहीं बना सकते। लेकिन कारपेट जैसे सॉफ्ट मुलायम जूते तो पहन सकते हो। तो आपके लिए सबसे इजी चीज होती है बी इन ग्रैटिट्यूड। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं बदलेगी। दुनिया को बदलने की कोशिश करना, यहां मैं दुनिया वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया, मे बी आपका फ्रेंड, सिचुएशन, आपके घर के लोग, इन्हें बदलने की कोशिश कभी मत करना। क्योंकि ऐसा करना मतलब एक बहुत बड़े से पत्थर पर माथा फोड़ने जैसा है। तो ऐसा अगर हम नहीं कर रहे, देखिए, हम हमेशा किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सलाह हमेशा देते रहते हैं या किसी से सलाह लेते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली शुरू हो रहता है। तो अगर ये हम स्टॉप करेंगे तो दूसरा करेंगे क्या, राइट? आपके मन में तो विचार आ ही रहे हैं, अगर उन्हें सप्रेस करना है ये सब, तो दूसरा विचार मन में लाइए और वो है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूं, हाँ मैं कृतज्ञ हूं किसी चीज के लिए, किसी दूसरी चीज के लिए। और सिर्फ ये आपको मन में नहीं सोचना है। आज के दिन का रिजोल्यूशन, द डे ऑफ ग्रैटिट्यूड का रिजोल्यूशन यही है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप हर उस चीज के बारे में सोचेंगे जिसके लिए आप लकी हो। क्योंकि कल आपका लकी डे था और आपके ब्रेन को पता है कि कल से आने वाला हर दिन आपका लकी डे रहेगा। तो जो जो चीजें आपके पास है उसके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। उससे क्या होगा कि कंप्लेन करना तो आपका बंद ही हो जाएगा, ओके? जब आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो तो आपका सबसे पहली बात, कंप्लेन करना बंद हो जाएगा किसी को, दूसरों को सुधारना बंद हो जाएगा। बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड, यू आर ग्रेटफुल। अब इसकी शुरुआत दिन भर आपको करनी है, और सिर्फ अपने मन में नहीं, तो आपको उसे व्यक्त भी करना है, उसे एक्सप्रेस भी करना है। अभी अगर कोई मतलब डेड चीजें है, लाइक आपकी सड़क है, बस स्टॉप है, ऐसे कोई चीजें है, तो उससे आप बातें तो नहीं कर सकते रास्ते में, लोग तो आपको पागल समझेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है तो उसे तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट? तो उसे एक्सप्रेस करना है, एटलीस्ट यू कैन से थैंक यू वेरी मच, और वो भी
विथ स्माइलिंग फेस। बहुत सारे लोग ऐसे भी थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू, दिस इज नॉट अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू। सो विद अ स्माइलिंग फेस हर एक के लिए आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है, आपको शुक्रगुजार होना है हर उस चीज के लिए जो आपके लाइफ में है। इससे आपके लाइफ में जो नहीं है उसका विचार आपके मन से निकल जाएगा एंड यू विल बी काम एंड पीसफुल इन योर माइंड एंड दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो शुरुआत कैसे करें? अगर मैं सुबह उठ रहा हूं, कल मतलब ग्रेटिट्यूड, द डे ऑफ ग्रेटिट्यूड आपका कल का दिन होगा क्योंकि आप ये वीडियो आज देख रहे हो। ओके, मुझे आशा है कि आज आपका लकी डे होगा अगर आप सीरियली जा रहे हो तो। जब आप सुबह उठोगे तब आपको सबसे पहले भगवान का शुक्रगुजार होना पड़ेगा, शुक्रिया कहना पड़ेगा क्योंकि आप उठ गए। ही हैज गिवन यू लाइफ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदा नहीं है लेकिन आप हो। तो सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू लॉर्ड, मैं आज जिंदा हूँ, मैं आज उठ चुका हूँ। आपको पता है कि हिंदू धर्म में, मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, हर धर्म में ये कस्टम, ये जो प्रथा है वो हर धर्म में है। जब हम उठते हैं तब सबसे पहले भूमि को वंदन करते हैं, नमन करते हैं भूमि को। और क्या कहते हैं? संस्कृत में एक वचन है, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मतलब मैं अभी जमीन पर तुम्हारे ऊपर पैर रख रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा करो। ये हम सबसे पहले बोलते हैं और उसके बाद हम उठकर खड़े होते हैं। तो हमें उस जमीन का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, उस जमीन को भी हमें शुक्रिया कहना चाहिए। तो शुक्रिया कहने का, ग्रेटफुल रहने के अलग अलग तरीके हैं। आप स्माइल्स करके थैंक यू बोल सकते हो या नमस्कार कर सकते हो या सिर्फ देख के उस वस्तु की तरफ देख के स्माइल कर सकते हो। तो जैसे मैं सुबह उठा तब मैंने कहा पाद स्पर्शम क्षमस्व में कि मेरे लिए पैर रखने के लिए जमीन है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं उठ के खड़ा होता हूँ तो मैंने देखा कि मेरे लिए घर है, थैंक यू वेरी मच। मैं घर से कहता हूँ कि थैंक यू आर देयर, आप मेरे लिए हो। आप जैसे बाहर जाते हो तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कल कहा था कि नल में पानी आ रहा है, अरे ऐसे कितने लोग हैं जिनके नलों में पानी नहीं आता है, पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो पानी आ रहा है तो थैंक यू वेरी मच कि पानी आ रहा है। ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हो तो आपको कोई ना कोई सर्व करता होगा, आपकी मम्मी करती होगी या सिस्टर करती होगी, वाइफ करती होगी। तो क्या आज तक आपने स्माइल देकर, आंखों में आंखें डालकर, खुले दिल से कभी आपको ब्रेकफास्ट देने वाले को, चाय देने वाले को थैंक यू कहा है? हम लोग जनरली ऐसे करते हैं, कुछ तो पढ़ते रहते हैं या कुछ तो बोलते हैं, उन्हें किसी ने चाय ला के दिया, ब्रेकफास्ट दिया, थैंक्स, ओके, हाँ थैंक्स, दिस इज अवर एटीट्यूड, ये हमारा एटीट्यूड है। लेकिन आपको कहना है थैंक यू, इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर रिलेशंस, आपके रिलेशंस को बदल देगा, आपके लाइफ को बदल देगा। आपको पता है जब आप बाहर निकलोगे तब सपोज बस का टिकट कंडक्टर, वो उसका जॉब है, कंडक्टर अगर आपको टिकट दे रहा है, हम हमेशा टिकट लेते हैं जेब में रखते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपने कंडक्टर की आंखों में देख के कहा है थैंक यू? यू जस्ट एक्सपीरियंस हाउ ब्यूटिफुल थिंग दिस इज, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करो। अगर आप टैक्सी से जा रहे हो, जब टैक्सी से आप उतरोगे तब आपने कभी पैसे देने के बाद कहा है थैंक यू? बस छोटा सा शब्द है, आपको अगर इंग्लिश में नहीं बोलना है धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, और या फिर मैं कहता हूँ हैव अ नाइस डे। ये जो कुछ शब्द है जो आपके ग्रैटिट्यूड को व्यक्त करते हैं, आपकी कृतज्ञता को ये शब्द व्यक्त करते हैं, और इससे न सिर्फ आपका दिन सुधारते हो बल्कि दूसरे का भी दिन सुधारते हो, इजंट इट? एक बार मुझे याद है कि मैं टैक्सी से कहीं जा रहा था सुबह,
और वो टैक्सी वाला बहुत खुश दिख रहा था, मतलब गाने भी नहीं बोल रहा था, अगरबत्ती वगैरह लगाई थी टैक्सी में। तो मैंने उसको पूछा, क्या क्या है भाई आज, कुछ खास है क्या? उसने कहा, हाँ आज के दिन मैंने टैक्सी खरीदी और आज ही मेरा जन्मदिन भी है। तो एक बार बाद में एक सिग्नल के ऊपर टैक्सी रुकी और वो फूल फूल बेचने वाली लड़कियाँ जो आती है वो आई थी। मैंने उससे एक गुलाब का फूल लिया और ख़रीदा और वो टैक्सी वाले को दिया और मैंने उसे कहा, हैव अ नाइस डे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि मतलब आप सोच सकते हो कि जब आपको कोई हैप्पी बर्थडे कहता है, जब आपका बर्थडे हो या आपको कोई थैंक्स कहता है, तो आपको कैसा लगता है। यहाँ मेरे मन में, और मैंने कहा थैंक यू फॉर योर राइड, आज मैं एक नई टैक्सी में बैठा हूँ, उसके चेहरे पर खुशी थी। ना तो मैंने सिर्फ मेरा दिन अच्छा किया बल्कि उसका भी किया। अब वो दिन भर जिससे जिससे मिला होगा वो उसी खुश मिजाज से या खुश इम्प्रेशन के साथ ही मिला होगा। तो विद द ग्रैटिट्यूड यू नॉट ओनली चेंज योर लाइफ योर डे, बट ऑल्सो उसका भी दिन आप सुधार देते हो जिसे आप थैंक्स कहते हो। करके देखिए, कल सुबह सुबह जो भी आपको चाय देगा, आपकी मम्मी वगैरह, उनकी तरफ देख के स्माइल करके कहो थैंक यू, तो आपको, हाँ शायद ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपको ये आदत नहीं है, अगर आप बहुत ही शांत और बहुत ही स्ट्रिक्ट मिजाज माने जाते हो, तो शायद सामने वाला घर का देखने लगेगा, पागल बिगल तो नहीं हुआ है, आज आज क्या हो गया इसको, ऐसे भी देख सकता है। या फिर आप उनके एक्सप्रेशन देखिए, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता वो एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। जैसे आप घर से बाहर निकलो, अगर आपका कोई पड़ोसी हो या फिर आपका कोई फ्रेंड बिल्डिंग में, जो फ्रेंड्स रहते हैं वो मिलेगा, तो आप उसे कहिए, हाय हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे, बिकॉज यू आर ग्रेटफुल कि आपके पास दोस्त तो है। ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई दोस्त ही नहीं है, उसके लिए भी आप बहुत ही थैंकफुल हो। आप सोचो, आपके पास जॉब है या बिजनेस है कोई भी, तो यू आर थैंकफुल। ऐसे भी लोग हैं जो बेकार हैं। हर एक चीज के लिए आपके पास आपका पूरा शरीर है, मतलब सब ठीक ठाक है, अंधे नहीं हो आप, बहरे नहीं हो, हाथ पैर ठीक है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। भगवान के सामने खड़ा रह के कहो, थैंक यू गॉड, यू हैव गिवन मी एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है, अपने आप से या किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, विथ ग्रेट स्माइल ऑन फेस। सो दैट विल बी योर ग्रैटिट्यूड डे, ये होगा आपका थैंकफुल डे, ग्रैटिट्यूड डे, कृतज्ञता दिवस। यही होगा आपका दूसरा दिन। और दूसरी जो क्वालिटी हम पर्सनालिटी में हमारे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो है ग्रैटिट्यूड। तो इस प्रकार आपको आपका पूरा दिन कृतज्ञता से, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गुजारना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि शब्दों का ही उपयोग किया जाए, हम स्माइल दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, या फिर कंधे पर हाथ रख सकते हैं, या फिर जैसे एक हिंदी फिल्म में कहा गया था, जादू की झप्पी वो दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता दिखानी जरूरी है और वो व्यक्त करनी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप कृतज्ञ हो। हाँ मैं मानता हूँ कई लोग ऐसे ऐसे इस स्वभाव के होते हैं कि वो थैंकफुल होते हैं लोगों के लिए कि उन्होंने उनको हेल्प किया, किसी काम में मदद की या पैसे की मदद की, वॉट एवर इट इज, लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते, वो कभी व्यक्त नहीं करते। तो ऐसा आपके भी लाइफ में ज़रूर होता होगा, आपने एक्सप्रेस नहीं किया होगा। आपके बच्चों के लिए बहुत प्यार होगा आपके बच्चों के लिए, लेकिन क्या आपने एक्सप्रेस किया है? क्या आपने उन्हें कभी कहा है थैंक यू वेरी मच? आप बोलेंगे छोटे से बच्चों को क्या थैंक यू बोलना, लेकिन आप बोल के तो देखिए, थैंक यू गॉड कि तुम्हारे जैसा बेटा मुझे मिला। अब देखिए, इट विल चेंज योर लाइफ। कभी आपके वाइफ से आपने कहा है कि थैंक यू दैट यू केम इन माई लाइफ, कैसा
कहकर देखिए, अपने माँ बाप से कहिए, सबसे कहिए, सो टुडे और टुमारो विल बी योर ग्रैटिट्यूड डे। अब कल का दिन पूरा खत्म होने के बाद रात को आपको क्या करना है, एक टास्क जो हर दिन के अंत में होता है, जो मैं आपको बोलने वाला हूं। सबसे पहले आराम से बेड पर बैठ जाइए, उसके बाद आपको, अब दिन भर आपने सबको थैंक्स बोला है, लेकिन अब आपको खुद को थैंक्स बोलना है, आपके खुद के बॉडी को थैंक्स बोलना है। कैसे? टच। टच हैज गॉट द मच मोर पावर देन एनीथिंग एल्स। आपको आपके शरीर के हर एक पार्ट को टच करना है और कहना है, सो थैंक यू वेरी मच, आई हैव 5 fingers, आई कैन होल्ड इट, वाह व्हाट अ स्किन, बहुत बहुत अच्छे हाथ है, वाह मुझे आंखें अच्छी है, ये आपके बाल। आपके बॉडी के हर एक पार्ट को आपको टच करना है, फील करना है, और वो अच्छे है उनको प्रेज करना है, उनकी तारीफ करनी है, और आपको बोलना है थैंक यू वेरी मच। दूसरी जो चीज आपको करनी है वो है कि पास्ट इंसिडेंट्स। सी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा बिगड़ा हो जाता है, कुछ तो इंसिडेंट्स होता है, कुछ तो एक्सीडेंट होता है, कुछ तो होता है, और हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत झगड़ा बिगड़ा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद बोलता है अरे जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। कोई तो एकदम संकी फ्रेंड होगा, उसके साथ झगड़ा हुआ और उसने आपसे बात करना बंद कर दिया, तो तभी तो आपको बुरा लगा, लेकिन बाद में आप सोचेंगे अरे अच्छा हुआ यार गया, अच्छा हुआ झगड़ा हुआ गया। तो मतलब किसी बुरे समय में, बुरे घटना में भी कृतज्ञता व्यक्त करने जैसा कुछ ना कुछ होता है। आपको तो आपके दुश्मनों को भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, मन में उनके पास जाकर नहीं, कि थैंक्स मेरे दुश्मन है, मेरा बुरा चाहने वाले है, इसलिए तो मैं सतर्क रहता हूं, उसके लिए भी थैंक्स। तो ये चीज आपको रात को करनी है। सबसे आखिरी चीज जो आपको करनी है, जब आप गद्दे पर लेट जाओगे, सोने के लिए जब आप लेट जाओगे, तब, अब आज मैं आपको लिस्ट बनाने के लिए नहीं कहने वाला, क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है और इतना कोई लिखना नहीं चाहता। अगर मैंने आपको 50 पॉइंट लिखने के लिए बोले तो आप उसी दिन ये कोर्स बंद कर दोगे, नहीं चाहिए बाबा, ये बहुत बहुत होमवर्क देता है, ये बंदा तो बहुत होमवर्क देता है यार, क्योंकि मुझे वो कोई भी टीचर आज तक पसंद नहीं जो मुझे बहुत होमवर्क देता था। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू टू राइट डाउन द थिंग्स, लेकिन जब आप सोने का प्रयास करोगे तब आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसी वस्तुएं घटनाएं आपको याद करनी है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। शुरुआत आप खुद से करो, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है आपको, उसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ, मुझे एजुकेशन मिला है, थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मुझे अच्छा जॉब मिला है, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, मुझे अच्छी बीवी मिली है, अच्छे बच्चे मिले हैं, अच्छा घर मिला है, एजुकेशन मिला है, या फिर कोई भी चीज़, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं, कि मैं किसी चीज़ में माहिर हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स में हूँ, या कोई सिंगर होगा, कोई गिटार बजाता होगा, कोई अच्छी ड्राइविंग करता होगा, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसे लंबी लिस्ट आपको सोचनी है। अपने दुश्मनों को भी जोड़ लो, क्योंकि वही है जो आपको सुधारने का सबसे बड़ा काम करते हैं। आपके दोस्त तो सिर्फ आपकी तारीफ ही करेंगे, लेकिन आपके जो ड्रॉबैक्स हैं, आपके जो बैड पॉइंट्स हैं, वो तो आपके दुश्मन ही आपको बताएंगे, उसका फ़ायदा लेकर ऑफकोर्स। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके मन में आपको सिर्फ एक बार रिकलेक्ट करनी है, किस किस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हो अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, बस कल के दिन आपको सिर्फ इतना ही करना है, बी ग्रेटफुल। अब आप ग्रेटफुल हो सकते हो या फिर ग्रेटफुल हो सकते हो, सोचना आपको है, डिसाइड आपको करना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका जो ये वीडियो देख रहे हैं और ये कोर्स कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड फॉर टुमारो हैव अ ग्रेटफुल डे।